डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये एक्सरसाइज 44 क्लास 5 का मैथ है, चैप्टर 7, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो हम लोग इसको पहले पढ़ लेते हैं। विनीता अबाउट इतना मीटर रिबन, कितना दिया हुआ है? 12.3। यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा है, प्रिंट सही नहीं हुआ है, ये 1 है तो 12.3 हो गया। उसका कीमत जो है वो ये है, 1 मीटर रिबन का कीमत इतना हो गया। विनीता इतना मीटर रिबन खरीदती है और पर मीटर का कीमत इतना है, 8.90। इतना रुपया रेट पे वो इतना मीटर रिबन खरीद लेती है, और 4 डजन जो है बैंगल्स एट द रेट 4 दर्जन चूड़ियाँ खरीद लेती है इतना रेट में, 1 दर्जन का कीमत इतना है। व्हाट अमाउंट डिड सी पे, तो फिर वो कितना पैसा पे करती है? यहाँ पे सॉल्व करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रिबन, सबसे पहले रिबन का प्राइस निकाल लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रिबन इक्वल टू कितना हो जाएगा? रुपीज 8.90। तो फिर कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ 12 मीटर, 12.3 दिया हुआ है, 12.3 मीटर रिबन इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8.90 इंटू 12.3। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो हम इसको पहले रख लेते हैं, ये हो गया, और इसको रखते हैं 89 रखते हैं। इसका वैल्यू नहीं होता है पॉइंट के बाद, बार बार बता चुके हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पॉइंट यहाँ आ गया और एक पॉइंट यहाँ आ गया, तो यहाँ पे 9 3 27 हो गया, यहाँ पे 2 रख लेते हैं, और 9 2 18 और 2 20 हो गया, 2 बचा हुआ है, 9 1 9 और 2 11 हो गया, और फिर यहाँ पे एक क्रॉस लगा दिए, 8 3 24, 2 बचा हुआ है, 8 2 16 17 18, तो 8 हो गया, 1 बचा हुआ है, 8 1 8 और 1 9 हो गया, तो इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 4 और 9 हो गया और 10 हो गया इतना। तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद जो है पॉइंट, तो इतना रुपीज हो गया, रिबन का प्राइस हो गया, ठीक है, रिबन का प्राइस इतना हो गया 109.47। अगर ये 0 रहता तो यहाँ पे 0 सिर्फ आ जाता और कुछ नहीं होता। उसके बाद जो है कॉस्ट निकाल लेते हैं, इसका निकालते हैं बैंगल्स का कॉस्ट निकाल लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 डजन, 1 दर्जन बैंगल्स का प्राइस निकाल लेते हैं, 1 डजन बैंगल्स इक्वल टू रुपीज 3.35 हो गया। द कॉस्ट ऑफ 4 डजन ले लेती है, तो ये 4 डजन हो गया, यहाँ पे बैंगल्स इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 5 4 5 4 20 हो गया, 2 बचा हुआ है, 4 3 12 और 2 14 1 और 4 3 12 और 1 13 हो गया इतना। तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ पे देते हैं, तो इतना रुपीज़ हो गया बैंगल्स का, ये 13.40। टोटल कॉस्ट कितना हो गया? अब यहाँ पे लिखते हैं टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के लिए क्या करना है, दोनों को जोड़ देना, टोटल कॉस्ट इक्वल टू यहाँ पे 109.47 प्लस 13.40, तो इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे इसको साइड में ऐड कर लेते हैं, 109.47 और यहाँ 13.40, ये हो गया 7, ये हो गया 8, 9 3 12 हो गया, 1 बच गया, तो ये 2 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे 1 हो गया, इसका मतलब है कि ये 122.87 रुपीज़ हो जाएगा। इसको सिंबल यहाँ दे देते हैं और ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 23।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 और यहाँ पे मैच करने के लिए दिया गया है, तो ये मैच करना काफ़ी आसान है। यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉइंट यहाँ है, 10 से मल्टीप्लाई करना काफ़ी आसान होता है। जीरो वाला मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये पॉइंट जो है एक बार सिर्फ सरक जाता है इधर, मतलब 99 हो जाएगा। तो इसको मिला लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 99 कहाँ है, यहाँ है, और यहाँ पर 31 और 3, मतलब लगभग कितना हो रहा है, 33 जा 90 होता है, तो 93 हो जाएगा। तो 93 कहीं पर है, ये 93 यहाँ पे शो कर रहा है, इसका मतलब ये यहाँ जाएगा। 2 2 जा 4, तो 4 कहीं शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है पॉइंट में, तो हम यहाँ पे इसको मिला लेते हैं। और इसको 5 4 जा 20, तो 20 कहीं शो कर रहा है, तो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ क्या है कि इसके बाद वाला जीरो वैल्यू नहीं होता है, तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं। और 5 6 5 जा 30 होता है, तो 30 यहाँ पर आ जाएगा, और ये ई नंबर का सीधा ही मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 44। अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल होता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग